नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य बीआरडी बीडी पीजी कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया। स्वाधीनता आंदोलन में बरहज क्षेत्र के युवाओं की भूमिका और माँ भारती की सेवा में किए गए देश हित सर्वोच्च बलिदान पर चर्चा करने के लिए आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। स्वाधीनता आंदोलन में बरहज क्षेत्र के क्रांतिकारी वीरों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वर्णिम अतीत को सजोए बरहज नगर के मध्य में स्थित शहीद स्मारक स्वाधीनता आंदोलन में इस क्षेत्र के युवाओं की भूमिका का ज्वलंत प्रमाण है। स्वाधीनता आंदोलन में माँ भारती की सेवा में अपना सर्वस्व त्याग कर देने की इच्छा से इस क्षेत्र के दो क्रांतिवीरों कूर परसिया निवासी पंडित लक्ष्मी मिश्र के पुत्र विश्वनाथ मिश्र और बरौली निवासी श्री प्रयाग मल्ल के पुत्र जगन्नाथ मल्ल ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो आज भी यहाँ के युवाओं को देश हित सर्वस्व त्याग की सीख देता है। मूलतः सरयू पार में स्थित देवरिया जनपद 1942 के स्वाधीनता आंदोलन में गोरखपुर जनपद का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद देवरिया जनपद, जिसे देवों और ऋषियों की रम्य स्थली के रूप में जाना जाता है, यह गोरखपुर जनपद से अलग होकर एक स्वतंत्र जनपद के रूप में स्थापित हुआ और तब से यह अपने गौरवशाली विकास की तरफ अग्रसर है। इसी देवरिया जनपद के जनपद मुख्यालय से 28 किलोमीटर दक्षिण पुणे सल्ला सरजू के तट पर स्थित योगी राजानंद महाप्रभु की कर्मभूमि, पूर्वांचल के गांधी संत विनोबा भावे के भूदान यज्ञ के हनुमान, राष्ट्रीय संत बाबा राघवदास की तपस्थली बरहज कभी स्वाधीनता आंदोलन का मुख्य केंद्र हुआ करती थी। 1942 के आंदोलन में भी इस आश्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही कारण है कि स्वाधीनता आंदोलन में इसकी भूमिका को ध्यान में रखकर ही ब्रिटिश हुकूमत ने नेशनल हेराल्ड और परभंश आश्रम बरहज को प्रतिबंधित घोषित किया था। इस क्षेत्र के युवाओं ने स्वाधीनता आंदोलन में न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि अपनी प्राणों की आहुति देने में भी वो पीछे नहीं रहे। बरहज नगर प्राचीन काल से ही गौरवशाली अतीत को सजोए हुए हैं। अपनी आध्यात्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चेतना के लिए यह नगर राष्ट्रीय क्षितिज पर स्थापित रहा है और यही कारण है कि नाग कौशलेत्तर में भी इसका वर्णन मिलता है। जब विश्वामित्र अयोध्या से राम और लक्ष्मण को लेकर चले थे तो इसी नगर से 5 किलोमीटर पश्चिम कपरवार स्थित राप्ती और सरयू के संगम स्थल पर राम और लक्ष्मण को बला और अतबला की शिक्षा दिए थे, तभी से यह नगर अपने गौरवशाली अतीत को सजोए हुए है। मूलतः यहाँ के क्रांतिवीरों ने न केवल बाबा राघवदास से प्रेरणा लिया बल्कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से भी प्रेरणा लिया। योगी राजानंद महाप्रभु की तपस्थली होने के नाते यहाँ के युवाओं में न केवल आध्यात्मिकता थी बल्कि राष्ट्रीयता भी कूट कूट कर भरी हुई थी। महर्षि भृगु का आश्रम भी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर भागलपुर में स्थित है। योगीराज देवराहवा का आश्रम भी यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में 2 महीने तक ब्रिटानी हुकूमत से अपने को स्वतंत्र घोषित कर देने वाले क्रांतिवीरों की शहीद स्थली पैना भी यहाँ से 5 किलोमीटर पूर्व स्थित है। ऐसे महत्वपूर्ण क्रांतिवीरों की
भूमि होने के नाते यह बरहज नगर अपने गौरवशाली अतीत को सजोए हुए है, जिसके मुख्य चौक से 50 मीटर पूरब आज भी जो शहीद स्मारक है वह उन दो क्रांतिवीरों के बलिदान पर की याद दिलाता है और उनके बलिदान रूपी नींव पर ही आज स्वतंत्रता का भव्य भवन बना हुआ है। यह इस क्षेत्र के युवाओं को प्रेरणा भी देता है। बरहज नगर का गौरवशाली अतीत रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब देश का कोना कोना स्वतंत्रता की चाह में मचल रहा था, तब यहाँ के क्रांतिवीरों की आंखों में भी आशा के सपने, हाथों में मौत का फूल और दिलों में आज़ादी की तूफान छिपाए हुए देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने की तमन्ना हिलोरे ले रही थी। यहाँ के युवा भी देश हित बलिदान को बेचैन हो उठे थे। यहाँ की क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र अनंत महाप्रभु का आश्रम रहा। अपने आगोश में विपुल रत्न भंडार लिए योगीराज अनंत महाप्रभु तथा बाबा राघवदास की कर्मभूमि और तपोस्थली बरहज स्वाधीनता आंदोलन में भी पीछे नहीं रहा। 1942 के आंदोलन में जब देश के बड़े बड़े क्रांतिवीरों की गिरफ्तारी जोरों पर थी, उन्हें बिना ट्रायल के ही ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जेलों में ठूसा जा रहा था, उसी समय इस क्षेत्र के युवा क्रांतिवीरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गांव-गांव से निकलकर लोगों में जनजागरण पैदा किया और देश हित बलिदान करने के लिए युवाओं का एक जत्था तैयार हो गया। बाबा राघवदास के आवाहन पर 14 अगस्त 1942 को पैना, कपरवार, गौरा, कपरवार, कुरपरसियां, सुनाड़ी, तरौली, बरौली आदि के सैकड़ों युवा देश के लिए अपना प्राणोत्सर्ग करने के लिए सरयू तट पर उपस्थित हो गए और बड़ी संख्या में युवाओं की टोली देश हित बलिदान के लिए ब्रिटानी हुकूमत की सत्ता को चुनौती देते हुए पुणे सल्ला सरयू के पावन तट पर थाने के समीप से ही बरहज नगर में आगे बढ़ी और माँ भारती के सपूत स्वाधीनता आंदोलन की चाह में आगे बढ़ते गए। जैसे ही इन जवानों की टोली बरहज के मुख्य चौक के समीप पहुंची, तो ब्रिटानी हुकूमत के विरुद्ध निकले इस जुलूस का नेतृत्व दो युवा क्रांतिकारी पंडित विश्वनाथ मिश्र और जगन्नाथ मल्ल बड़े ही धैर्य और साहस के साथ कर रहे थे। दोनों ही युवकों के मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह थी, या चाह उनके दिलों में हिलोरे ले रही थी और देश हित मरकर कुछ नाम कर जाने की अटूट अभिलाषा भी इनके मन में थी। जन्मना भारती और कर्मणा ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर विरोधी क्रांतिकारी भावना के उज्ज्वल प्रतीक और अदम्य साहसी ये दोनों युवक भारत के आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के निमित्त सड़क पर उतर गए थे और धैर्य तथा साहस के साथ इस क्षेत्र के युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों ही क्रांतिकारी वीरों के नेतृत्व में जुलूस जैसे ही बरहज के मुख्य चौक पर पहुंची, कैप्टन मूर के नेतृत्व में ब्रिटानी हुकूमत के सैनिकों ने उनका रास्ता अवरुद्ध करने का साहस दिखाया और अपना दमन चक्र शुरू कर दिया। तत्कालीन जिलाधिकारी कैप्टन मूर के रिवाल्वर से निकली गोलियां इन दोनों वीरों को के सीनों को छेदती हुई निकल गई और देखते ही देखते माँ भारती के ये दोनों सपूत वहीं पर अपनी प्राणाहुत दे दिए। देश हित बलिदान की एक ऐसी अद्भुत मिसाल इन्होंने पेश किया जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती हैं। दोनों नौजवान क्रांति की दास्ता कहते कहते उसी स्थल पर शहीद हो गए। प्रशासन ने उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करने हेतु दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर को देवरिया पहुंचा दिया। काफ़ी प्रयास के बाद शहीद विश्वनाथ मिश्र का शव उनके परिजनों को 6 दिन बाद तो प्राप्त हुआ, किंतु जगन्नाथ मल्ल के परिजन
सौ को प्राप्त करने के प्रयास करते करते थक गए, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कभी लिखा था कि कलम आज उनकी जय बोल, चढ़ती हुई जवानी जिनकी, अपनी मांग रही कुर्बानी, जलन एक अभिलाषा, मरण जिनका एक त्यौहार। इन दोनों क्रांतिवीरों ने रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए देश हित बलिदान की ऐसी मिसाल पेश की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी रही। इन पंक्तियों से ही प्रेरणा पाकर देश हित बलिदान की सीख इन युवा क्रांतिवीरों ने लिया था। नगर के मध्य स्थित शहीद स्मारक के प्रथम पुष्प पंडित विश्वनाथ मिश्र का जन्म 10 जुलाई 1917 को राप्ती और सरयू के संगम पर स्थित कूर परसिया में पंडित लक्ष्मी मिश्र के पुत्र के रूप में हुआ था। विश्वनाथ मिश्र बाल्यावस्था से ही निर्भीक और साहसी स्वभाव के थे। मात्र 25 वर्ष की आयु में ही देश की स्वतंत्रता हेतु इन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगा दिया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश हित इनके द्वारा किए गए बलिदान और त्याग को देखते हुए ही मरणोपरांत इन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया था। इनकी स्मृतियों को सजोने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राम जानकी मार्ग से कूर परसिया गांव को जोड़ने वाली सड़क का नामकरण विश्वनाथ मिश्र मार्ग रखकर इनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया था। नगर के मध्य स्थित शहीद स्मारक के दूसरे पुष्प के रूप में जगन्नाथ मल्ल का नाम आता है। यदि कूर परसिया के लोगों को यह बात सालती है कि क्रांतिवीरों का गांव होने के बाद में इस गांव की राजनीतिज्ञों द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ऐसी उपेक्षा की गई कि यह पूरा गांव सरयू की घुमावधार धारा और तेज कटान में विलीन हो गया और 500 घर वाला यह गांव आज अपने अस्तित्व को केवल इतिहास में सजोए हुए है। लेकिन बरहज नगर स्थित शहीद स्मारक के दूसरे पुष्प जगन्नाथ मल्ल 19 वर्ष की युवावस्था में ही ब्रितानी हुकूमत की नादरशाही का विरोध करते हुए देश हित बलिदान की अद्भुत मिसाल पेश कर गए और कैप्टन मूर की गोली के शिकार हुए। आज इन्हीं दोनों क्रांतिवीरों की स्मृति की याद दिलाती बरहज नगर के मध्य स्थित शहीद स्मारक स्वाधीनता दिवस पर हमें प्रेरित करती है और बार बार यहाँ के युवाओं को देश हित बलिदान की अद्भुत मिसाल पेश करने की प्रेरणा देती है। आज ये दोनों क्रांतिवीर सशरीर हमलों के बीच भले ही न हों, लेकिन इनके द्वारा किए गए अद्भुत कार्य आज भी यहाँ के युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनके विचार और उनके जीवन दर्शन अमर हैं और सदैव देश हित बलिदान होने की प्रेरणा आज भी प्रदान करते हैं। इनकी मृत्यु रूपी आधारशिला पर ही स्वतंत्रता रूपी भव्य भवन का आज निर्माण हुआ है। बरहज क्षेत्र में शहीदों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्राम पैना का शहीद स्मारक और लाजपत भवन के सामने स्थित वह स्मारक जिसमें इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों की पूरी सूची है, किसी न किसी कारण से, चाहे इसे प्रशासनिक उदासीनता कहा जाए, राजनीतिज्ञों की अदूरदर्शी सोच कहा जाए, कि न केवल पैना का सतीहड़ा या पैना का शहीद स्मारक आज उपेक्षित है, बरहज नगर का के मध्य स्थित विश्वनाथ मिश्र और जगन्नाथ मल्ल जैसे शहीदों की याद में बना हुआ शहीद स्मारक आज अतिक्रमण का शिकार है। तो लाजपत भवन के सामने स्थित शहीदों की सूची वाला स्मारक यहाँ के युवाओं को दिखता ही नहीं है। निसंदेह जरूरत है कि स्वतंत्रता हित बलिदान होने वाले इन क्रांतिवीरों की स्मृतियों को सजोने वाले इन स्थलों को आज सुसज्जित किया जाए।
उन्हें युवाओं के प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जाए, तभी देश हित बलिदान होने वाले इन क्रांतिवीरों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।